जय श्री गणेश जी। दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान से हूँ, और आज मैं एक छोटा सा प्रयोग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। मेरे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि उनके पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, मियाँ बीवी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आज ही कम से कम सुबह से 12 या 13 औरतों का फ़ोन आ चुका है कि उनके पति उनसे मूल फुला के बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है और ये हर घर की समस्या है। पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, आपस में बनती नहीं है, तो उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो 8126476399 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज़, मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ। तो सिर्फ और मैसेज में भी अपने टर्न का वेट कीजिएगा। कुछ लोगों को बहुत हाइपर हो जाते हैं, मैसेज डालते ही लगातार मैसेज लिखना शुरू कर देते हैं, जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को रोज़ 1500-2500 कभी 5000 तक लोगों के मैसेज आते हैं। मेरे पास जैसे मैसेज आएगा मैं वैसे उसे पढ़ के असर दूँगी, उसमें चाहे जितना भी टाइम लगे, तो आपको उतना वेट करना पड़ेगा, पेशेंसली वेट कीजिए। तो आज मैं आपको बात कर रही हूँ पति पत्नी के ग्रह कलेश को कैसे दूर किया जाए। यदि आप अपने जीवन में जो भी कलेश है उसको दूर करना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। पत्नी जो भी है उसको क्या करना है, 100 ग्राम सौंफ होती है ना, खाने वाली सौंफ, सुबह नहाकर धोकर तैयार हो जाना है, जैसे आप सुबह उठ के नहाते हैं धोते हैं। फिर आपको एक लाल रंग का रुमाल लेना है, लाल रुमाल, छोटा सा एक लाल रुमाल लीजिएगा। सुबह नहा धोकर तैयार होकर आप जैसे अपने भगवान की पूजा पाठ करते हैं, एक लाल रंग का रुमाल लेना है स्क्वायर वो और चकोर, उसमें आपको कम से कम 100 ग्राम मीठी सौंफ रखनी है, सौंफ सब खाते हैं ना वो वाली सौंफ। और आपको सिर्फ इतनी ही कामना करनी है कि मेरे और मेरे पति के संबंध इस सौंफ की तरह मिठास भरे हो जाएं और हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो ठीक हो जाएं। और आपको उस लाल कपड़े में गांठ बांध करके वो सौंफ अपने शयन कक्ष में जहां पति पत्नी सोते हैं कहीं भी छुपा दो, बस आपको इतना ही करना है। इससे आपके और आपकी पत्नी के जो भी रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इसे आप करके देखिए। इसके अलावा पति और पत्नी दोनों सोमवार को 2 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। पति और पत्नी मिलके 2 मुखी रुद्राक्ष जो आता है बाज़ार में, उसको भी आप सोमवार को धारण कर सकते हैं। पति को भी पहनना है, पत्नी को पहनना है, इससे आपके बीच में कलेश होना खत्म हो जाएगा। और साथ में गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, यदि आप उसको पहन ले तो भी आप दोनों के बीच में जो भी कलेश है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इन उपायों को कीजिए और शुक्रवार को अपने पति और पत्नी को फूल दीजिए, इत्र दीजिए, कोई भी चीज़ दीजिए, चांदी का सम्मान गिफ्ट कीजिए, दही शक्कर खिलाएं। इससे भी आपके पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होने शुरू करेंगे। और जब भी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, अगर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो एक ही काम करना है, बुधवार के दिन आप लोगों को आपस में बात नहीं करनी है, या कम से कम 2 घंटे चुप रहना है मौन व्रत में। पति और पत्नी यदि दोनों ही 2 घंटे के लिए सिर्फ बुधवार वाले दिन चुपचाप रहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। शुक्रवार को यदि आप एक दूसरे को इत्र देंगे, फूल देंगे, गिफ्ट देंगे, दही शक्कर खिलाएंगे, तो भी झगड़ा नहीं होगा। यदि पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरना शुरू कर दे तो भी उसका अपनी बीवी से झगड़ा नहीं होगा। यदि पूजा पाठ करने के बाद पत्नी सुबह या शाम कभी भी अपने पति के माथे पे केसर का या सिंदूर, केसर का, हल्दी का या चंदन का पीला तिलक पति के माथे पे अपने हाथ से लगाना शुरू करे तो भी झगड़ा नहीं होगा। सौंफ रख देगी तो भी झगड़ा नहीं होगा, और 2 मुखी रुद्राक्ष पहनेगी तो भी झगड़ा नहीं होगा। तो ये था झगड़े ना होने के उपाय। अब मुझे फ़ोन करके ये मत बोलना कि मेरा पति लड़ रहा है, मैंने आप सबको उपाय बता दिया है। और गौरी शंकर के मंदिर में हफ्ते में 3 बार जाके दर्शन करके आया करें, या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, तो भी झगड़ा नहीं होगा। सुगंधित फूल एक दूसरे को देते रहें, मंदिर में चढ़ाते रहें, तो भी झगड़ा नहीं होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कोई भी समस्या है तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू सो मच।